ये जो चित्र है इसको देखकर आपको कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो बहुत संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा देखिएगा। यदि आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र में विश्वास करते हैं, प्राचीन परंपराओं में विश्वास करते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। लेकिन यदि आप इन्हें नहीं मानते हैं तो कृपया ये वीडियो ना देखें, ये आपके किसी काम का नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत और अभिनंदन मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको जीवन की सभी खुशियाँ दे, आपको हर मुसीबत से बचा के रखे। और यही कारण है कि मैं ऐसी वीडियो बताती हूँ जो आपको बहुत सी नेगेटिव बातों के लिए आगाह करती है। यहाँ बहुत ही छोटा सा मैं चीज़ आपको बता रही हूँ लेकिन ये आपके बहुत ही काम का है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि चप्पल है और ये जो चप्पलें हैं ये घर से बाहर जाते हुए खुली हुई हैं। चप्पलों को कभी भी घर के बरामदे में, घर के बाहर जाते हुए डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना गमला, इस गमले के सामने पीछे की साइड पे इस घर का मुख्य द्वार है और ये चप्पलें बाहर की ओर इशारा कर रही हैं। तो घर के सदस्य जब भी चप्पल आड़े टेढ़े तरीके से खोलें, घर के बाहर जाने वाले डायरेक्शन में खोलें, तो ये बहुत ही अशुभता को दर्शाता है। उस घर पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली होती है या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि कभी भी चप्पलों को घर से बाहर जाते हुए डायरेक्शन में नहीं रखें, ये बहुत ही मनहूसियत को बताता है। इसके अलावा यदि बिल्ली उस चप्पल के ऊपर से निकल जाए तो ये बहुत ही गलत होता है और इसे काफ़ी अपशकुन मानते हैं। ये घर के बड़े बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त होता है जो मैं आपसे कभी कभी शेयर कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो इसी तरह का है, तो मैं समाप्त करती हूँ आज का वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे से आगे ऐसी छोटी छोटी और बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 वर्ष हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए, तो बिना देरी के संपर्क करिए। वक्त खिसकता जा रहा है, आने वाला समय आपके लिए बेहतर बने। आने वाले समय में आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे आपके ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ लौट जाए, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा मित्रों। छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, कम खर्चे के उपाय बताती हूँ, बल्कि कई बार तो बिना खर्चे के ही उपाय बताती हूँ। आपको सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना होता है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे।